हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे साथ हैं एक और ऐसी स्टोरी जो सीए के बाद जो है वो एसीसीए में आए, और इनकी स्टोरी में तो और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो बिना किसी डिले के सीधे चलते हैं अंशदा के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इनकी स्टोरी। अंशदा, थोड़ा बहुत पहले अपने बारे में एक ब्रीफ दीजिए स्टूडेंट्स को, अपने बारे में बताइए कब आपका क्या क्या चीज़ें जो है, क्या माइलस्टोन्स रहे हैं आपके एकेडमिक एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन के। Hello all. To introduce myself, I'm Anshita Rathor. I am a qualified ACCA member. Mera qualification last year June 19 mein complete hua tha. Uske baad I started with my first job in November 2019. Great. And life has completely been a roller coaster ride for me. So Great. I'll be happy to share it. Okay. So aapne CA, आपने मुझे बताया था कि आपने, बल्कि मैं आपका एक हल्का सा प्रोफाइल को रीड कर रहा था तो मैंने देखा कि आपने CA ज्वाइन किया था एंड देन CA ड्रॉप आउट करके आपने ACCA किया। लेकिन हम उससे भी पहले चलते हैं कि आपको CA ज्वाइन करने के लिए सजेस्ट जो है किसने किया था? It was a mutual decision. Actually, I was not a commerce student at all. Okay. I was a science student. मैं वो स्टूडेंट थी जो कोटा गई थी IIT JEE के लिए पढ़ने। Okay. Along with Tripoli. Yeah, that typical case. So, I was always good in studies. मेरा academic career भी काफी अच्छा रहा है, school life में भी. After that, क्योंकि आप academics में अच्छे होते हैं, तो your first preference is always science. सभी कहते हैं और हम भी ले भी लेते हैं. So, I went with that. उसके बाद फिर दो साल 11-12 पढ़ने के बाद, I felt commerce would be a better choice for me regarding career and all. So, I switched to commerce. उसके बाद आई कम फ्रॉम दैट टिपिकल बैकग्राउंड जहाँ कॉमर्स लेते हैं आप और उसके बाद आपकी चॉइस होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे सजेस्ट किया गया था आप CA CS दोनों ले लें, और मैंने दोनों स्टार्ट किया एंड इट वाज अ गुड जर्नी टिल IPCC। मैंने CA का भी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर लिया था एंड CS एग्जीक्यूटिव तक भी मैंने क्लियर कर लिया था। उसके बाद 2012 में आई स्टार्टेड माय आर्टिकलशिप एंड 2015 में मेरा आर्टिकलशिप खत्म हुआ था। सो माय फर्स्ट CA अटेम्प्ट वाज इन नवंबर 2014 और तब से मैं CA फाइनल और CS फाइनल दे रही हूँ कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स एंड आई वाज नॉट एबल टू क्लियर एनी ऑफ देम एंड दैट्स व्हाई इन मई 2018 आई डिसाइडेड फाइनली दिस इज इट, आई क्विट CA एंड आई स्विच्ड ऑन टू ACCA। I took that leap of faith and I'm really happy that I made that decision. क्या बात है, क्या बात है। So, पहला सवाल जो है ना, सबसे पहला सवाल, जो लोग ACCA join करना चाहते हैं, ACCA में अपने आपको enroll करना चाहते हैं as a student, वो पूछते हैं कि सर क्या ACCA की jobs इंडिया में हैं या नहीं है। तो अब आप तो ACCA हैं तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज का आइडिया होगा, तो प्लीज इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, इस पे थोड़ी सी लाइट डालिए कि क्या ACCA की jobs इंडिया में हैं या नहीं। डेफिनेटली सबसे पहला क्वेश्चन हमारा भी वही था जब हमने कंसल्ट किया था ACCA में जाने के लिए एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स यही पूछते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू टेल एवरीवन ऑफ देम देयर इज नो डर्थ ऑफ जॉब्स फॉर ACCA इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबल। तो है ही क्योंकि ग्लोबल डिग्री भी है ये एंड इंडिया में भी आज की तारीख में व्हेन आई स्टार्टेड इन 2018 तो काफी इसका स्टार्ट हो रहा था एंड इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट आज अवेयरनेस भी है एंड जॉब्स भी हैं। And last year when I cleared in July 2019, मैंने पूरा पूरा दिन अपना LinkedIn पे निकाला है searching for jobs and I'll be happy to tell you 2-3 months के अंदर मुझे job मिल भी गया था। I started my first job in November and मैंने जो time निकाला है LinkedIn पे every job vacancy that I went through सब में CA/ACCA/CFA कुछ ना कुछ आता ही है। Every company, every multinational company as well as international banks, आपकी बड़ी बड़ी जितनी companies हैं, big four firms हैं, EY, KPMG, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, every company is happy to take up an ACCA. ACCA आज की तारीख में बहुत ही competitive degree है, in terms of आपकी similar positions भी मिलती हैं आपको, आप CA से compare करें तो, as well as competitive salaries भी available है market में. Right. तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, students को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि उनको इस चीज को लेके बिल्कुल भी डर नहीं रखना चाहिए। राइट अब मुझे अब एक बात बताइए, आपने बताया कि आप 2018 तक CA फाइनल के एग्जाम्स दे रहे थे, फिर वो नहीं हुआ, तो ACCA में आपको कितना समय लगा कंप्लीट करने में? ऑब्वियसली आपको एग्जेम्पशंस बहुत अच्छी खासी मिली होंगी क्योंकि आपका IPCC क्लियर था। सो पहला क्वेश्चन ये कि कितनी एग्जेम्पशंस आपने क्लेम करी थी? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई विल बी हैप्पी टू टेल यू, मुझे 5 पेपर्स ही देने थे आउट ऑफ 13 पेपर्स, आई गॉट 8 एग्जेम्पशंस, आई जस्ट हैड टू अपीयर फॉर 5 पेपर्स
और वो मैंने 2 पेपर्स एट अ टाइम करके दिए, तो इट वाज जस्ट अ ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स दैट आई कंप्लीटेड माय डिग्री. फ्रॉम ओके दिसंबर 18 आई एनरोल्ड. मेरा दिसंबर 18 फर्स्ट पेपर था, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट था. उस टाइम मैंने 2 पेपर्स दिए, देन नेक्स्ट 2 पेपर्स इन मार्च, नेक्स्ट टू नेक्स्ट बचा हुआ 1 पेपर इन जून, क्या एंड आई बात क्लियर है, इट. क्या तो बात है। 6 मंथ्स में मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री थी. मतलब 4 साल आप सीए फाइनल में स्ट्रगल कर रहे थे और यहाँ आपने एग्जैक्टली लगभग लगभग आपने जो है 6-7 महीने में, मैं बोलूंगा दिसंबर से अगर हम काउंट करना शुरू करें, 6 महीने में, 6-7 महीने में आपने पूरा का पूरा जो है वो कोर्स कंप्लीट कर दिया एंड यू वर ऑन योर जॉब हंटिंग एग्जैक्टली ट्रैक। अच्छा, मुझे इसमें एक बात एग्जैक्टली जाननी है। अब यहाँ पे ना एक बड़ा सवाल उठने वाला है, बहुत बड़ा सवाल उठने वाला है, ठीक है, शायद आपसे भी लोगों ने पूछा हो, और क्योंकि मैं स्टूडेंट की वॉइस बन रहा हूँ इस समय, मतलब मैं स्टूडेंट्स के डाउट पूछ रहा हूँ, तो मुझे पता है उनके माइंड में इस समय क्या आएगा। अच्छा, इसका मतलब एसीसी तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, सीए मुश्किल था, तो इस पे आपका क्या कमेंट है, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज के ऊपर? See, I'll not say at all that it is easy, but definitely it is doable, it is possible. For everyone, it is possible. मैं साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, for me it is possible, for a commerce graduate it is possible, and it's possible for everyone of them. जो भी स्टूडेंट परस्यू करना चाहता है ACCA. There are structural differences in CA and ACCA. CA एक अलग तरीके से, मतलब हम apples and oranges को compare करने लगेंगे अगर दोनों को compare करते हैं तो. As far as the study approach is concerned, as far as the study approach is concerned. सी ए का स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. और हम मैं इजी इसलिए नहीं बोलूंगी बिकॉज सी ए में तो पासिंग मार्क आपका सिर्फ 40 होता है, ACCA में इट्स 50. आपको 50 रिक्वायर्ड होते हैं पास करने के लिए. एंड ऑल्सो ACCA में जो मैंने देखा, इट वॉज जो स्किल लेवल होता है, दैट इज अ सेकेंड लेवल, उस पे जो करिकुलम आपका कवर होता है दैट इज इक्वल टू सी ए फाइनल का करिकुलम. सी ए फाइनल में मैंने जो भी पढ़ा था मैंने वो स्किल लेवल पे देखा, और इसीलिए एग्जेम्पशंस भी मिले बिकॉज दे कंसिडर कि आपने उधर पूरा पढ़ लिया है. राइट सो उसके बाद जब आप फाइनल लेवल देने जाते हैं तो इट इज एडवांस लेवल, इवन सीए फाइनल का बोलूंगी क्योंकि सीए फाइनल का जो लेवल है वो स्किल लेवल पे कंप्लीट हो चुका है सेकंड लेवल पे. तो थर्ड लेवल पे जब आप आके देखते हैं इट इज द एडवांस लेवल सारे पेपर्स में जो भी आप पढ़ते हैं. तो करिकुलम वाइज इट इज डेफिनेटली वन स्टेप अहेड. ओके और पूरा प्रैक्टिकल वर्ल्ड ओरिएंटेड होता है, रियल वर्ल्ड अप्रोच होती है, एंड द एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच ऑफ ACCA इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट. बिकॉज सीए में सीएस में व्हाट आई फाउंड वाज रोट लर्निंग ज्यादा प्रमोट होता था, व्हिच आई डिडंट लाइक. मेरा एम्फेसिस हमेशा से था कि आई शुड लर्न एंड आई शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट इन एग्जाम इन माय लैंग्वेज, एंड ACCA रियली अप्रिशिएटेड दैट. दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट. एग्जैक्टली मैं ACCA में अभी ना नॉलेज लेवल और स्किल लेवल के कुछ स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, तो उनका एक सब्जेक्ट है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी अराउंड, मतलब अगर मैं स्टडी मटेरियल के कंटेंट की बात करूँ 615 पेज के आसपास का कंटेंट है, और क्या उन्होंने नॉलेज लेवल पे क्या चीज़ें बता दी है ना, जो इंटरमीडिएट लेवल का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है वो उन्होंने नॉलेज लेवल पे ही पढ़ा दिया, उनको वहीं पे उनको तैयार कर दिया है. एंड एज फार एज दी अप्रोच ऑफ स्टडी इज कंसर्न, अप्रोच ऑफ स्टडिंग इज कंसर्न, मैं आपसे भी ये सवाल पूछता हूँ पहले, बल्कि आपसे पूछ लेता हूँ. सो आप 4 साल आपने सी ए फाइनल की तैयारी करी, आपने फिर ACCA की पढ़ाई करी, तो आपका पढ़ने में क्या डिफरेंस आया, पढ़ने में आपका क्या डिफरेंस था, आप सीए में कैसे पढ़ते थे, आप ACCA में कैसे पढ़ते थे, ये डिफरेंस बताना चाहेंगे? Definitely, पढ़ने में drastic change था. मतलब I was used to the format, जैसे for example, मैं best example लूंगी, audit का subject है आपका. We are used to rote learning it. आपको पूछा जाएगा characteristics क्या है, features क्या है, so you have to learn the points and you have to reproduce the exact points in exam. आपके exam में marks भी इसलिए कटते थे because आप exactly reproduce नहीं कर सकते. ACCA में since I was always good at theory, but मुझे reproduce करना इतना मतलब perfectly नहीं हो पाता था. And ACCA really appreciated the fact that I reproduced the same content in my language. Exactly. And ACCA people, the institute is so student friendly. आपके वो student के comfort के हिसाब से उनका marking वगैरह बहुत precise application based होता है और student comfort के हिसाब से होता है. As in आप अगर like CA में जैसे हम किया करते थे, हमारी marking ऐसे होती है कि if the examiner is provided with 20 points, student का answer उस list में fall नहीं करता है, तो marks कटने के chances होते हैं. Right. जबकि ACCA में ये चीज नहीं होती. ACCA में इफ यू प्रोवाइड एन आंसर एंड इफ यू प्रोवाइड द लॉजिक बिहाइंड इट प्रॉपर्ली, आपने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दे विल कंसीडर योर आंसर, यू आर प्रॉपर्ली मार्क्ड. तो वहां एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है. ग्रेट. एंड दे आर सुपर सुपर स्टूडेंट फ्रेंडली आई वुड से. एक और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं आपसे, टफ इन द सेंस थोड़ा सा इसको ना, मतलब ये चीज मार्केट में बहुत ज्यादा चलती है,
सो एसीसी स्टूडेंट्स के साथ मैंने ऐसा देखा है कि हल्का सा उनको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है when they compare themselves with chartered accountants जो इंडिया में ऑडिट कर सकते हैं और जिनकी इंडिया में ऐसा कहते हैं कि भाई ज़्यादा डिमांड है ACC के मुकाबले. तो क्या वो कभी कॉम्प्लेक्स आपके माइंड में आया या किसी ने डालने की कोशिश करी कि यार तुमने क्या ACC क्यों कर लिया, CA कर दे, कुछ ऐसी बात? नहीं, किसी कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स आया भी नहीं. और इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने एंड जॉब मार्केट में जो डिमांड है उसने कभी ये आने भी नहीं दिया. जॉब मार्केट में अच्छा खासा स्कोप है ACCA का भी. एंड कंपेयर टू CA हम ये नहीं बोल सकते कि यार CA से कंपेयर करेंगे तो ACCA के लिए कम चांसेस हैं या उनको किसी भी तरीके से इंफीरियर फील करना चाहिए. नॉट एट ऑल, बिकॉज ACCA का अपना पूरा जॉब मार्केट है, उसका अपना एक लेवल है. और इनफैक्ट आई वुड से CA से इवन बेटर है बिकॉज दे प्रिपेयर यू फॉर द रियल वर्ल्ड. जो आप लास्ट लेवल पे प्रोफेशनल लेवल पे 4 पेपर्स पढ़ते हो, दे आर रियली स्ट्रेटेजिक पेपर्स. दे आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल पेपर्स बिकॉज दे प्रिपेयर यू फॉर द रियल वर्ल्ड एंड दे इक्विप यू कि आप एनालाइज अच्छे से कर सको, आप डिसीजन मेकिंग कर सके. एंड यू जस्ट नॉट हैव टू बी एन अकाउंटेंट, आप मैनेजरियल लेवल पे जाके भी प्रॉपरली फंक्शन कर सके. दे प्रिपेयर यू टू बी मैनेजर्स. तो वो एक स्टेप अहेड लगता है मुझे CA से. राइट, वो चीज़ मैंने BT के अंदर ही फील कर ली है. वो चाहिए रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो सीधा ये सोचो कि मैनेजरल पोजीशन मिलेगी, डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी, उसमें आपने कैसे जो है वो बिहेव करना है. दैट्स ग्रेट. एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा जो मैंने फील किया है कि CA में या किसी भी कोर्स में, इंडिया में किसी भी कोर्स में, आई थिंक हम सिर्फ बुक तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं. रहना नहीं चाहिए, हमें खुद एफर्ट करने चाहिए. बट जब मैं ACCA की बात करता हूँ तो मेरे को ऐसी फीलिंग आती है, मैं बच्चों के साथ अगर CSR डिस्कस कर रहा हूँ तो उन्होंने CSR में कंटेंट बस इतने बताया, बता दो जी CSR क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, एंड देन यू आर फ्री. आप इंटरनेट पे पढ़ो, इन्वेस्टोपीडिया पढ़ो, विकीपीडिया पे पढ़ो, आप लोगों की वेबसाइट जाके चेक करो, वहां पे CSR के बारे में पढ़ो, तो आप टोटली फ्री हो. और वो आपको कभी भी इस बात पे नहीं जानेंगे कि ये बताओ ये डेफिनेशन का ये वाला वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे आपसे, आपको डेफिनेशन याद है या नहीं. दिस इज नॉट I have seen, मतलब मुझे तो लगता है कि भाई वो बस concept जानना चाहते हैं. Exactly, ACC is truly truly concept based. ये मैंने भी देखा है. In fact, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे application based, real world based, decision making etc. अभी आप final level पे जाते हैं, they've introduced this paper called strategic business leader, which is my personal favorite. वैसा subject is I don't think अभी recent किसी institute ने introduce किया है. And that subject is so perfect, as in जब आप स्किल लेवल तक पढ़ते हैं, दैट इज मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ नंबर क्रंचिंग. आपको नंबर्स प्रिपेयर करना, एनालाइज करना, वो सब सिखाया जाता है. एंड टिल दैट लेवल यू हैव टू प्रिपेयर, लाइक इन CA ऑल्सो आप प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप प्रिपेयर करते हैं, आप सोचते हैं कि ये नंबर्स क्या मीन करते होंगे, सब कुछ करते होंगे. इस स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर के पेपर में देयर इज जस्ट वन क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स. उसमें आपको दे ऑलरेडी प्रोवाइड यू विद ऑल द एग्जिबिट्स, लाइक दे हैव प्रोवाइडेड यू विद द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग्स दी हुई होंगी, यू आर प्रोवाइडेड विद द मिनट्स ऑफ मीटिंग, आपको डायरेक्टर क्या बोल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं, CEO ने क्या बोला है. यू हैव टू मेक द डिसीजन. इन सबको पढ़ने के बाद में, एनालाइज करने के बाद में आप डिसीजन क्या लेंगे, बींग अ CEO, बींग अ CFO, बींग द मैनेजर. तो वहां जाके आपको दे एक्चुअली टीच यू डिसीजन मेकिंग. And they expect you to be the managers, to be the future CEOs. वो मुझे उनका approach सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. Right. And that is what they prepare you to be, the leaders of the future. क्या बात है, क्या बात है. वो एक drastic change है. Right. So ultimately आप जो class 12th में भी students हैं, by chance ये videos देख रहे हो, so आप क्या उनको बोलेंगे कि भाई class 12th के बाद directly ACC में आओ और आप यहाँ पे काफी जल्दी, काफी कम समय में और conceptually strong होके आप एक market ready professional बनके निकल सकते हो. Definitely, even class 12th के बाद नहीं, मैं बोलूँगी after directly after class 10th you can take this up, because ACC allow करता है आपको after class 10th you can start with the education. उसके बाद आपको आप simultaneously अपनी पढ़ाई complete कर सकते हैं, you can pursue your graduation आप चाहते हैं तो. And even जो job में आ जाते हैं immediately after 12th or 10th वो भी आप continue कर सकते हैं. ACC ने कभी बार भी नहीं लगाया है कि आप जॉब नहीं कर सकते साथ में, या आपको आर्टिकलशिप जैसे आपको एक सर्टेन लेवल के बाद ही चालू करना है, सर्टेन लेवल के पहले कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. सो इट्स कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल. एंड आई वुड रेकमेंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट, अगर आप जाना चाहते हैं आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, और अर्लीस्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम द 10th.
और उसके बाद आप साथ साथ में जॉब और पढ़ाई मैनेज कर सकते हैं. लाइक सेड, ऑलरेडी बीइंग सेड, एसीसी आपको फ्लेक्सिबल पूरा स्ट्रक्चर बना के देता है. यू हैव क्वार्टरली स्ट्रक्चर, आप हर 3 महीने में पेपर दे सकते हैं. आपकी इच्छा है तो आप 1 पेपर एट अ टाइम दे सकते हैं, अदरवाइज आपको लगता है आप 4 पेपर्स हैंडल कर सकते हैं, यू कैन गिव इवन 4 पेपर्स एट अ टाइम. एंड आप जॉब के साथ मैनेज करना चाहते हैं, इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू विद मैनेजिंग विद योर पर्सनल प्रॉब्लम्स और योर जॉब और एवरीथिंग, आप 1 पेपर एट अ टाइम करके दे सकते हैं. इजिली विद इन अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है एंड यू आर वेल इक्विप्ड विद अ प्रोफेशनल डिग्री रेडी टू एंटर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. राइट, आई थिंक दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग. राइट, ग्रेट, काफी सारे इनसाइट्स मिले. और आप अपनी तरफ से कोई लास्ट में कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, कोई भी आपको चीज लगती हो, यू वांट टू गिव अ मैसेज टू द एसीसीए स्टूडेंट्स जो परस्यू कर रहे हैं या जो परस्यू करना चाहते हैं, एनी सजेशन, एनी एडवाइस, एनीथिंग, एनी वर्ड्स ऑफ विजडम? See, first of all, though, if anybody wants to pursue ACCA, I would say it is possible. It is possible for every one of you. It is possible for me. It has been possible for so many of us who have already completed ACCA. So it is possible for you. And you don't have to be scared. And unlike CA, se agar main specifically compare karun, to aapko kisi moment pe ye nahi lagega during this degree that, oh my God, I'm stuck. Main aage kahan jaun? Jaise CA ke baad kya hota hai ki hum articleship complete ho jati hai. Like I was the case typical ki mera CA final ke attempts mein de rahi thi, but till you complete CA final aapke paas ek degree nahi hoti, aap ek job ke liye approach nahi kar sakte, aapko articleship complete karna zaruri hota hai, etc. So ACCA mein aap jab aate hain, you don't have to be scared ki aapka papers complete ho jayenge but aapka articleship complete nahi hoga to aapko milega nahi bahar job mein kuch bhi, aisa nahi hoga. You can be an ACCA affiliate. आप papers clear कर सकते हैं अपने and those 3 years of experience आप कहीं भी complete कर सकते हैं. You don't necessarily have to do it in an audit firm. आप finance की firm में जा सकते हैं, आप as a job कर सकते हैं, आप internship कर सकते हैं. Every bit of your experience is counted and easily आप जाके, और आप जब real world में जाते हैं तो you don't have to go with the complete degree and you can proudly write it on your resume that I'm an ACCA affiliate. And कंपेरेटिव लेवल पे कंपेरेटिव सैलरी के साथ आपको जॉब मार्केट में वेलकम किया जाता है. क्या बात, दैट इज व्हाट आई लाइक दी अबाउट एसीसीए द मोस्ट. एंड आई वुड लाइक टू टेल ईच एंड एवरी स्टूडेंट, यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड, यू कैन एंटर द डिग्री. इट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग डिग्री. इट्स अ स्टूडेंट फ्रेंडली प्रोफेशनल बॉडी, कंप्लीटली अप्रोचेबल. ऐसा नहीं है कि यूके में है तो आपके लिए अप्रोचेबल नहीं है, नहीं, दे आर कंप्लीटली अप्रोचेबल एंड इट्स पॉसिबल. ग्रेट, मुझे बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया जाते जाते, मैंने सोचा मैं जरूर पूछूं आपसे. सो किस तरह की प्रोफाइल्स जो हैं वो मिल रही हैं एसीसीए जो क्वालिफाइड हो जाते हैं या फिर अभी एसीसीए एफिलिएट हैं, किस तरह की प्रोफाइल्स जो हैं वो मिल रही हैं? एवरी काइंड ऑफ प्रोफाइल आई वुड से. एंड ऑल्सो आई थिंक सीए से ज्यादा हमारा स्कोप बढ़ जाता है बिकॉज यूके बेस्ड, यूएस बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, इवन द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जिनको व्हिच आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डिंग्स विद यूएस का स्टैंडर्ड्स हैं, यूके के स्टैंडर्ड्स हैं जिन प्रिपेयर करना पड़ता है, पर ऑल दोज फर्म्स सीए से ज़्यादा एसीसीए की उनके लिए वैल्यू बढ़ जाती है एंड दे अप्रोच एसीसीए मोर. सो सीए का मैं बोलूँगी और लिमिट हो जाता है थोड़ा सा नेशन वाइड. एंड स्पेसिफिकली जो प्रोफेशंस रिक्वायर करते हैं एज अ साइनिंग अथॉरिटी, सिर्फ वहाँ पे एसीसीए का लिमिट हो जाता है स्कोप, कि वहां पे सिर्फ सी एस चाहिए होते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ सिर्फ एक सी ए साइन कर सकता है स्टेटमेंट्स, अदरवाइज देयर इज नो लैक ऑफ स्कोप. मतलब आप इंटरनेशनल बॉडीज के लिए आप देखें, इंटरनेशनल कंपनीज के लिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए, देयर इज इवन मोर स्कोप फॉर एसीसीए. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे इनसाइट्स मिले एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इसको एंजॉय करेंगे, इस वीडियो को, इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे और उनके भी बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे. एंड फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वी विल ट्राई कि हम उसका भी जो है आंसर करें. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच एंड मैं अपने तरीके से इस वीडियो को एंड करता हूं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड, और हां, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद. बाय बाय एंड टेक केयर.